नमस्कार दर्शक मित्रों, एक्जिटिक वेब मीडिया में आपनो स्वागत करू छू। मैं हिंदी में बात करूंगी क्योंकि हमारे साथ जो है विशेष मेहमान वो हिंदी में ही पूरा हमारे साथ बात करने वाले हैं। तो फिर से मैं एक्जिटिक वेब मीडिया में आपका स्वागत करती हूं और हम यहां पे आबू में ब्रह्मा कुमारी हेड क्वार्टर में हम यहाँ पे उपस्थित है और आज एक विशेष मेहमान हमारे साथ उपस्थित है, राजू भाई जी। हम राजू भाई के साथ बात करेंगे। राजू भाई, आपका स्वागत है हमारे ये प्रोग्राम में, विशेष मेहमान प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले तो मैं आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगी कि आप एक विशेष हमको एक जानकारी भी देने वाले हैं आज हमारे दर्शकों को, तो वो हम बाद में करेंगे। पहले हम बात करेंगे, थोड़ा सा आपके बारे में बताइए। ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, इसका मुख्यालय माउंट आबू राजस्थान में है। इसके अंदर मुझे समर्पित हुए करीब 46 वर्ष हुए। 1972 से मैं यहाँ सेवाएं अपनी दे रहा हूँ और विशेषकर जो हमारे इस विद्यालय के विद्यार्थियों का पढ़ाई का पाठ्यक्रम है वो तैयार करके पूरे विश्व में भेजने की सेवाएं मुझे मिली हुई हैं, जिसको हम आध्यात्मिक भाषा में मुरली कहते हैं। वो तो मुरली का अध्ययन जो हमारी क्लासेज के अंदर रोज किया जाता है वो तैयार करके सभी सेवा केंद्रों पर भेजने का कार्य, उनको एडिट करने का कार्य मुझे मिला हुआ है। और साथ साथ एक प्रोजेक्ट चल रहा है कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग का, उसकी सेवाएं भी मैं देखता हूँ। जी बहुत ही अच्छी बात है। आप जो सेवाएं करते हैं उस वो कितने साल से यहाँ पे आप करते हैं? 46 वर्ष हो गए मुझे सेवाएं करते हुए। मैं 72 में समर्पित हुआ जी। उसके बाद यहाँ ही हमने टाइपिंग सीखी, सिंधी भाषा सीखी और जो भी हमारे पढ़ाई के रिसोर्स हैं वो सब तैयार करके टाइप करके सब जगह पर देश विदेश में भेजने की सेवा जी। आप कहाँ से मतलब आए हैं? मैं उत्तर प्रदेश कानपुर के पास से गांव है, वहाँ से ही हूँ। आज से 60 वर्ष पूर्व हमारे गांव में ही इस विद्यालय की पाठशाला शुरू हुई थी और पूरा परिवार ही इस सेवा में लग गया, तो मैं वहाँ से ही यूपी से उत्तर प्रदेश से हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमें दी। अभी हम एक विशेष कुछ अभी ये हमारे गुजरात में तो ऐसा है कि जितने भी वृक्ष मतलब पेड़ों को हम करते हैं, वृक्ष को वाव मतलब क्या गुजराती में बोलते हैं कि वृक्ष वावो और प्रदूषण को दूर करो, ऐसा हमारा ये गुजरात में ये अभी चल रहा है कैंपेन। तो इस आपने कुछ नया लिया है तो उसके बारे में हमें बताइए। हमारे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की एक सहयोगी संस्था है राज योगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन और उसके अंतर्गत करीब 20 प्रभाग अपनी अलग अलग सेवाएं दे रहे हैं। उसका ही एक भाग है कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग, जिसके अंतर्गत हम गांव की आध्यात्मिक सेवा के लिए 4 प्रोजेक्ट पहले बनाए थे, एक स्वच्छता, एक साक्षरता, एक स्वास्थ्य और चौथा स्वनिर्भरता। इन्हीं के आधार से हम व्यसन मुक्त बनाने के लिए गाँव में अभियान निकालते थे, स्वच्छता के अभियान निकालते थे। लेकिन करीब 15 वर्ष पहले 2003 और 4 में एक अभियान निकला था मोटरसाइकिल अभियान के अंतर्गत, ने मोटरसाइकिल के द्वारा गांव-गांव का भ्रमण किया और उसमें जब हम व्यसन मुक्त बनाने का संदेश दे रहे थे तो कुछ गांववासी एक नई प्रकार की खेती कर रहे थे और उस खेती में वो लोग कहते थे हम योग के प्रयोग करते हैं। वहाँ पर वो किसी भी प्रकार की फर्टिलाइजर्स, किसी भी प्रकार की कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने गाय रखी थी और गाय के गोबर से खाद तैयार करके, जीवामृत तैयार करके, अमृत पानी तैयार करके जैविक ऑर्गेनिक खेती कर रहे थे और साथ साथ उस पर मेडिटेशन का प्रयोग करते थे। जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का मुख्य सब्जेक्ट है राजयोग, उस राजयोग के प्रयोग द्वारा वो खेती कर रहे थे। तो 2007 में हमने इस प्रोजेक्ट को देखा और फिर पूरे भारत के अंदर और विश्व के अंदर इसका प्रचार प्रसार शुरू हुआ, उस पर रिसर्चेज हुई और 2007 से राजयोग के माध्यम से शाश्वत योगी खेती प्रोजेक्ट तैयार किया गया जी। उसका कुछ अपने नाम अभी बताया था, वो हमारे दर्शकों को बताइए। शाश्वत योगी खेती, यस, जैविक खेती पर योग के प्रयोग जी, क्योंकि हमारी भावनाएं भी पेड़ पौधे समझते हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने इस बात को सिद्ध किया है, जगदीश चंद्र बोस जी भी कहते थे पेड़ पौधों में भी संवेदनाएं होती हैं,
अगर हम उनके सामने कोई गलत विचार लेकर के जाते हैं तो भी वो समझते हैं और समझ करके उसकी प्रतिक्रिया करते हैं। तो हम लोगों ने इस बात को स्वीकार किया और इस पर प्रैक्टिकल पेड़ पौधों से बात करके उनको अपनी भावनाएं दे करके देखा, उसकी बहुत सुंदर रिजल्ट हमें प्राप्त हुई। इसको वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए हम लोगों ने यूनिवर्सिटीज़ का सहारा लिया और सबसे पहले गुजरात में हमारे माउंट आबू के समीप दांतीवाड़ा यूनिवर्सिटी है, उस दांतीवाड़ा यूनिवर्सिटी के अंदर 5 साल के लिए एग्रीमेंट किया और एग्रीमेंट के बाद वहाँ पर रिसर्च हुई और रिसर्च से हमें परिणाम प्राप्त हुए कि हमारे मेडिटेशन द्वारा, हमारे योग के वाइब्रेशन द्वारा बहुत अच्छी फसल हो सकती है जिसमें कम खर्चा हो और अच्छी पैदावार हो और उसको खाने वाले, उसको स्वीकार करने वालों का तन स्वस्थ हो और मन भी अच्छा हो। तो बहुत अच्छी रिजल्ट मिलने के बाद ये प्रोजेक्ट पूरे भारत के अंदर चालू किया। जी, ये आपने बताया कितने साल से ये प्रोजेक्ट आपने चालू किया? 2007 से हमने चालू किया, करीब 11 वर्ष इसको पूरा हो गए हैं और पूरे भारत की कई यूनिवर्सिटी इसको रिसर्च भी कर रही हैं और किसान अपने फील्ड के अंदर प्रैक्टिकल प्रयोग कर रहे हैं। सबसे अधिक किसानों की ने शुरुआत की महाराष्ट्र से, पूना के पास कोल्हापुर है, वहाँ के करीब 200-250 किसान ये जैविक और यौगिक खेती के प्रयोग कर रहे हैं और महाराष्ट्र की चारों यूनिवर्सिटी जो मुख्य है कृषि की, उन सब में इसकी रिसर्च हो रही है और साथ साथ अभी गुजरात के आनंद यूनिवर्सिटी में भी इसका एक बड़ा प्रोग्राम हमने किया था। उसके बाद चारों यूनिवर्सिटी गुजरात में भी रिसर्च की इस नवंबर से भी शुरुआत की जा रही है। जी, बहुत ही अच्छी बात है। इसे क्या क्या मतलब फायदे होते हैं वो बताइए आप, जो ये और इसका प्रोसेस क्या है? ऐसा है कि इस समय जो दुनिया के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है कि छोटे छोटे बच्चों को भी अनेक प्रकार की बीमारियाँ हो रही हैं और अत्यधिक प्रदूषण फैला हुआ है। आज महाराष्ट्र के साथ साथ आप अगर दूसरे प्रांतों में देखेंगे जो खेती पर निर्भर करते हैं, स्वास्थ्य उनका बिगड़ता जा रहा है। जैसे पंजाब प्रांत के अंदर जो सबसे अधिक गेहूं पैदा होता था, वो गेहूं खाने से वहां का जल प्रदूषित है, अन्न प्रदूषित है और कई लोगों को कैंसर जैसी भयानक बीमारियाँ हो रही हैं। हर घर के अंदर कोई कैंसर पेशेंट है। तो वर्तमान समय की जो सबसे ज्वलंत समस्या है वो है हमारा खाद्यान्न पदार्थ, अन्न फल दूध जो भी है सब प्रदूषित होता जा रहा है और उसका मूल कारण है अत्यधिक मात्रा में रसायन खादों का प्रयोग, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग। तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय ने इस बात को महसूस किया और इसके अपोजिट हम लोगों ने प्रोजेक्ट तैयार किया कि खर्चा भी कम हो और खर्चा कम के साथ साथ पैदावार अच्छी हो और ऐसी पैदावार हो जिसको खाने वाले का तन स्वस्थ हो, मन अच्छा हो। क्योंकि आज सारा किसान अगर मेहनत करके पैसा कमाता है तो आधा पैसा तो उसका बीमारियों के पीछे जा रहा है और दूसरा उसका मन जो प्रदूषित है उसके कारण लड़ाई झगड़े दंगे और उसके कारण कोर्ट कचहरी के पीछे पैसा जा रहा है। तो अगर वो इस विधि को अपनाए, शाश्वत योगी खेती सीख जाए, माना खेत में योग करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन पेड़ पौधों से एक संबंध स्थापित करके उनको प्रेम दे और उनको परमात्म शक्तियों के आधार से आह्वान करें कि तुम्हारे अंदर जो पैदावार होगी उनको खाने वाले का तन और मन स्वस्थ होगा, तो हमारे विचारों का प्रभाव पेड़ पौधे और वनस्पति बहुत जल्दी स्वीकार करती है क्योंकि उनके पास अपनी नेगेटिविटी नहीं है। तो अगर हम उनके सामने जाकर के उनसे प्यार से स्नेह से बात करते हैं, खेत पर केवल स्नेह से परिक्रमा देते हैं, पेड़ पौधों को देखते भी हैं तो हमारी भावनाओं को समझते हैं और जिस प्रकार के विचार लेकर के जाते हैं उसकी वो प्रतिक्रिया देते हैं, ऐसा हमने रिसर्च भी किया। हमारे प्रैक्टिकल अभी कई हजार किसान इससे जुड़ गए हैं जो ऐसे रिजल्ट दे रहे हैं, खर्चा भी कम होता है और अच्छी अच्छी पैदावार हो रही है। जी, मतलब इसका आपने अभी बताया कोई घर में भी ये कर सकता है या आप जो यूनिवर्सिटी में ही आपने बताया कि यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, तो घर में भी लोग ये करेंगे? आजकल बहुत सारे लोग ऐसे ही है कि घर में ही अपने सब कुछ बना रहे हैं कि साग भाजी का पौधा डाल रहे हैं ऐसा, तो ये घर से ही मतलब लेके अब घर में सब्जी बना सकते हैं, तो उनका प्रोसेस क्या रहेगा? ऐसा है अगर किसी के पास टेरेस गार्डन है, जी बहुत सुंदर प्रोजेक्ट इस विधि से हम कर रहे हैं, जिसके पास थोड़ी सी जगह है और नहीं भी है तो गमलों में भी किया जा सकता है। आज आप भिंडी का पौधा है, तूरी का है, लौकी का है, थोड़ा सा वो करके और उसको अगर झाड़ के साथ बढ़ा दिया जाता है तो टमाटर, भिंडी,
हमारे पास पुदीना, धनिया, कई चीज़ें अपने घर में हम पैदा कर सकते हैं और उस बहुत सुंदर थोड़े स्थान पर भी रोज़ की सब्जियां निकल सकती हैं। जो आज हम खाते हैं कैसे कैसे गंदे पानी में, गंदे स्थानों पर, और कितनी दवाइयां डाल करके लोग देते हैं, पैसा कमाने के लिए लोग कितना गलत कार्य कर रहे हैं कि पैसा चाहिए लेकिन स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो रहा है। इसलिए अगर हर एक अपने प्रवृत्ति के अंदर अपने घर के लिए छोटा सा भी स्थान, चाहे छत पर हो चाहे गमलों में हो, और उसको बहुत स्नेह से सिर्फ पानी दे और अच्छी खाद, अच्छी मिट्टी गोबर की डाल करके उस पर योग के प्रयोग करें, तो मैं समझता हूँ अपने घर में कहीं सब्जी खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी जी। अपने घर के लिए वो तैयार कर सकते हैं। और ऐसे बहुत से भाई बहनें जो इस विद्यालय से जुड़े हुए हैं, वो अपने छतों पर, अपने गमलों में ऐसी खेती करके अपने घर को बड़ा सुखी बना करके चल रहे हैं जी। बहुत ही अच्छी हम लोग ये जानकारी ले रहे हैं कि अपना स्वास्थ्य अगर सही रखना है तो ऐसे ही हम अपने घर में ही पौधे करें और घर की ही खेती से हम लोग सब कुछ खाना वाना खा सकते हैं, अच्छा खाना हम खा सकते हैं। तो घर में ऐसे आप लोग ट्रेनिंग वगैरह देते होंगे ना कि ये कैसे, योग से आपने बोला तो योग से वो लोग कैसे करेंगे, किसी को अगर इसकी जानकारी नहीं है तो वो बताइए आप। ऐसा है, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के हर एक सेवा केंद्र पर निःशुल्क रूप से राजयोग की ट्रेनिंग दी जाती है जी। लेकिन खेती से संबंधित ट्रेनिंग के लिए हम लोगों ने 2 दिन का पूरा कोर्स तैयार किया है, जिसमें हम योग के प्रयोग प्रकृति पर, पेड़ पौधों पर, 5 तत्वों पर करते हैं, और उसकी कमेंट्री बनाई है, उसके लिए विधि बनाई हुई है, पुस्तकें निकाली हुई हैं, और हमारे यूट्यूब पर और इसमें वेबसाइट के ऊपर एक हमारा एक बहुत सुंदर वेबसाइट बना हुआ है, yogikkheti.org। अगर yogikkheti.org में आप जाएंगे तो कई वीडियो आपको मिलेंगे और कमेंट्री मिलेगी, उसको आप सीख सकते हैं, सुन सकते हैं, और उसके माध्यम से आप राजयोग का अभ्यास करते हुए, क्योंकि सबसे आवश्यक है हमारा चिंतन अच्छा होना चाहिए, हमारी विचारधाराएं अच्छी होनी चाहिए, और अगर हम निर्व्यसनीय हैं, शुद्ध भावनाएँ रखते हैं, तो उसका बहुत गहरा प्रभाव पेड़ पौधों की वनस्पति पर पड़ता है जी। बहुत ही अच्छी बात बताई आपने, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे इस माध्यम, हमारे चैनल के द्वारा आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। ओम शांति।